हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल किचन शाकाहारी में। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे दही बल्ले बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी व सॉफ्ट होते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 200 ग्राम मूंग दाल धुली हुई और 50 ग्राम दाल उड़द धुली हुई, हमने दोनों दाल को 2 घंटे पहले धोकर भिगो के रखा हुआ था। ये हमारी 2 घंटे भीगी हुई दाल है, अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारी ये दाल पिस गई है और अब इसमें हम चुटकी भर खाने का सोडा यानी कि मीठा सोडा इसमें हम ये डाल लेते हैं थोड़ा सा, और इसको हम 5 मिनट के लिए चम्मच से अच्छी तरह फेंट लेते हैं। फ्रेंड्स, दाल को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया 5 मिनट, अब हम इसकी पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। इस बीच हमने अपना ये तेल गरम कर लिया था। अब इसमें चम्मच से ऐसे धीरे धीरे डालना शुरू करेंगे छोटी छोटी। अब हमारी ये सिकनी शुरू हो गई है, अब हम इनको धीरे धीरे, जब हमारी इस साइड से सिक जाए तो हम इनको दूसरी तरफ से ऐसे पलट लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये पकौड़ी सिक गई है क्योंकि हमें ये हल्का ब्राउन ही भून तलना था, अब हमारी पकौड़ी बन गई है। अब इनको हम निकाल लेते हैं, हम इनको निकाल के पानी में डाल देते हैं जिससे इनका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो पानी में आ जाएगा। इसी तरह हम और बनाते हैं। हमारी ये वाली भी बन गई है पकौड़ी और इनको भी हम अब निकाल लेते हैं। गैस बंद कर देते हैं और इनको भी हम ऐसे पानी में डाल देते हैं और इनको हम आधा घंटा पानी में ही भीगे रहने देंगे जिससे इनका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो भी निकल जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये दाल की पकौड़ी को पानी में भीगे हुए आधा घंटा हो गया है, अब इनको हम पानी में से निकालते हैं। देखो ये कितनी पानी में भीगने से कितनी सॉफ्ट हो गई है। हम इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकालते हैं, इनको प्लेट में लगाना शुरू करते हैं। दही बड़ों के ऊपर सबसे पहले दही डालते हैं। अब इसकी इमली वाली सौंठ डालते हैं इसमें। इसमें हम थोड़े से हरे धनिए की खट्टी मीठी चटनी डालते हैं। ऊपर से थोड़ी और दही डालते हैं। थोड़ी सौंठ और डालते हैं और थोड़ी
हरे धनिए की चटनी डालते हैं। इसमें हम डालते हैं थोड़ा नमक, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, उड़द दाल और मूंग दाल के दही बड़े बनकर तैयार हैं। ये देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम और वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।